Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now, student, we will start third and the last exercise of the chapter. इस एक्सरसाइज में हम कुछ इवेंट्स की कुछ एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करेंगे और अब तक जितने भी कंसेप्ट हमने इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पढ़े हैं उन पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन हमें डील करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन से मैं एक्सरसाइज करता हूँ। नाउ सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैलिड असाइनमेंट प्रोबेबिलिटीज फॉर द आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 एंड अप टू ओमेगा 7। यहाँ पर असाइनमेंट हमें दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। यहाँ पर हर एक जो है असाइनमेंट है इससे। नाउ इनकी जो सैंपल स्पेस है इनकी प्रोबेबिलिटी यानी ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ये प्रोबेबिलिटीज को डिनोट करेंगे। हमें इन वैल्यूज को यानी प्रोबेबिलिटीज को ऑब्जर्व करना है, देखना है और उन पर बेस्ड बताना है क्या ये असाइनमेंट वैलिड होगा यानी पॉसिबल हो सकता है। सी फर्स्ट मैं यहां पर लिखता हूं। सो जो फर्स्ट असाइनमेंट है यहां पर मुझे एज यू कैन सी यहाँ ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 5 यानी ये सैंपल पॉइंट हो गए, इनकी प्रोबेबिलिटीज दी और वो प्रोबेबिलिटीज क्या है 0.1 0.01 एंड अगेन 0.05 ये ओमेगा 3 की वैल्यू, ओमेगा 4 की वैल्यू कितनी है 0.03। नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज द 0.01, द नेक्स्ट वैल्यू इज 0.2 एंड नेक्स्ट इज 0.6 ये आपकी वैल्यू सी थी। नाउ यहां पर मैंने आपको बताया था कि दो कंडीशन को आप इस तरह का एग्जांपल हमने किया था, दो कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं, एक तो सारे सैंपल पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो कंडीशन वन क्या थी, कंडीशन नंबर वन ऑल प्रोबेबिलिटीज आर पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव है कोई नेगेटिव नहीं है। एंड कंडीशन टू क्या है, सबका सम क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, तो क्या सबका सम यहाँ 1 के इक्वल है, कंडीशन नंबर टू देखें सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो अब अगर आप यहाँ पर सम निकालें 0.1 को किसमें ऐड कराएंगे, मैं आप यहाँ पर अगर ऐड कराऊं पहले 0.6 को 0.2 से कराइए तो 0.8 हो गया। नाउ 0.8 की 0.1 में ये जब 3 ऐड कराएंगे तो कितना आ जाएगा 0.9। नाउ फर्दर जब मैं यहां ऐड करा रहा हूं 0.5 को 0.3 0.08 एंड देन 0.01 करके 0.09 एंड देन दिस 0.01 तो ये टोटल जो आ जाएगा दिस 0.09 तो यहां तक हो गया था स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट वाला क्या रहा है 0.1, इन तीन को ऐड करके ये वाले जो है, तो फर्दर इन सब का सम 1 के इक्वल आ रहा है सिंस बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड यानी सारी प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव है एंड सबका सम 1 के इक्वल है। Since both conditions are satisfied, ये क्या हो गए satisfied हो गए। Therefore, ये assignment जो है assignment is valid। ये असाइनमेंट हमारा वैल्यू होगा। अब जरा सेकंड वाले पे चलते हैं, तो सेकंड वाले पे मैं डायरेक्ट ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू लिख देता हूं। तो यहां पर ओमेगा 1 की वैल्यू अगेन 1/7 है यानी ओमेगा 1 की वैल्यू भी 1/7, 2 की भी 1/7 एंड अप टू ओमेगा 7 की भी 1/7। नाउ स्टूडेंट कंडीशन 1 की अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैं C1 लिख देता हूं, C1 दैट मींस कंडीशन 1 ऑल प्रोबेबिलिटीज आर पॉजिटिव, सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज क्या है पॉजिटिव है। और कंडीशन अगर मैं 2 की बात करूं तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज निकाल दूंगा मैं, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएगी, अगर आप निकालें 1/7 प्लस 1/7 यानी 7 टाइम्स आप लिखेंगे दिस इज 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 5 टाइम्स हो गया प्लस 1/7 6 टाइम्स एंड प्लस 1/7 7 टाइम्स। अब जरा इन्हें ऐड करा देंगे तो ऐड कराने पर क्या आ रहा है 7/7 दैट इक्वल टू 1। अब 1 आ गया यहाँ पे सम, तो इसका मतलब क्या है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये वैलिड असाइनमेंट है। तो मैं लिख दूंगा सिंस बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाई किससे इस असाइनमेंट की बोथ कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देयरफॉर असाइनमेंट ये असाइनमेंट हमारा क्या होगा असाइनमेंट इज वैलिड, ये असाइनमेंट हमारा वैलिड है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, तो मैं थर्ड पार्ट के देन दिस ग्राफ
यहाँ पर ओमेगा वन ओमेगा टू यानी डिफरेंट डिफरेंट जो सैंपल पॉइंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या है, 0.1, 0.2, 0.3 ये हमारी है। तो मैं लिख देता हूँ, दिस इज 0.1 ओमेगा वन की वैल्यू, नाउ 0.2, नाउ 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, दिस इज 0.5, 0.6 और 0.7 ओमेगा 7 की वैल्यू। फर्स्ट कंडीशन तो अनसेटिस्फाइड है, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो कंडीशन वन की अगर मैं बात करूं, मैं अब सिर्फ आपको लिख के बता देता हूं कंडीशन वन क्या है। कंडीशन वन सेटिस्फाई हो गई, लेकिन आप इस तरह से राइट नहीं क्लिक करेंगे, आपको अगर करना है तो आप लिखेंगे कंडीशन वन इज सेटिस्फाइड, ये लिखेंगे। मैं कंडीशन टू की बात करूं यानी सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, तो मैं सीधा सम लिख देता हूं। अगर मैं यहां पे सम कर रहा हूं तो 0.7 एंड 0.6 कितना हो जाएगा 1.3 और उसके बाद 0.5 होगा तो कितना हो जाएगा 1.8, नाउ 2.2, 2.5, 2.7 एंड दिस इज 2.7 के बाद 2.8, तो इस सम कितना आ रहा है 2.8 के इक्वल आ रहा है। अब ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या है ग्रेटर देन 1। हम जानते हैं कि हमेशा प्रोबेबिलिटीज किसी एक सैंपल स्पेस में प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है, ना कम ना ज्यादा, लेकिन यहां पर क्या है ग्रेटर देन 1 आ रहा है। देयरफॉर कंडीशन 2 इज नॉट सेटिस्फाइड सिंस सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर दिस असाइनमेंट, ये वाला असाइनमेंट क्या होगा, ये वाला असाइनमेंट स्टूडेंट वैलिड नहीं होगा, इज नॉट वैलिड। नाउ अब हम यहां पर थर्ड असाइनमेंट की तरफ चलते हैं यानी थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में मैं आपको फोर्थ पार्ट की तरफ, तो फोर्थ पार्ट में मैं अगर यहां पर देखूं, फोर्थ पार्ट में मुझे फर्स्ट ओमेगा वन की वैल्यू अगर मैं देखूं, ओमेगा वन की वैल्यू -0.1 है, साथ ही ओमेगा टू ओमेगा फाइव भी, वो भी नेगेटिव है। ओमेगा फाइव की वैल्यू अगर देखूं, ये भी हमारा कितना है नेगेटिव वैल्यू है। तो सिंस बोथ वैल्यू आर नेगेटिव, ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है। सिंस टू प्रोबेबिलिटीज आर नेगेटिव, दो प्रोबेबिलिटीज नेगेटिव है, देयरफॉर ये असाइनमेंट वैलिड हो ही नहीं सकते क्योंकि कंडीशन वन ही क्या करता है फुलफिल नहीं कर रहा। तो देयरफॉर दिस असाइनमेंट इज नॉट वैलिड, ये असाइनमेंट भी वैलिड नहीं होगा क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए स्टूडेंट असाइनमेंट वैलिड होने के लिए। यही तो हमारी एक्सामेटिक जो प्रोबेबिलिटी थी उसकी अप्रोच थी। नाउ स्टूडेंट फिफ्थ की तरफ हम चलते हैं, तो फिफ्थ वाला जो है मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर कितना है 1/14, 2/14, 3/14 एंड देन मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज ओमेगा वन की वैल्यू 1/14 है, ओमेगा टू की वैल्यू 2/14, ओमेगा थ्री की वैल्यू 3/14, नाउ 4/14, 5/14 एंड देन 6/14 एंड जो ओमेगा 7 की वैल्यू है वो क्या है 15/14। मैं यहां पर ये ओमेगा 7 की वैल्यू आप देखिए कितना है 15/14। सिंस ओमेगा 7, मैं ओमेगा 7 को ही दिखाता हूं, बाकी को हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत भी नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन ओमेगा 7 जो 15/14 है ये वैल्यू को जब आप डिवाइड करें, सिंस न्यूमरेटर क्या डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। अब एक ही यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज क्या है 1 से बड़ी है, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता ऐसा असाइनमेंट सिंस, तो देयरफॉर मैं यहां पर लिख देता हूं देयरफॉर दिस असाइनमेंट इज नॉट वैलिड, क्योंकि पॉजिटिव तो है लेकिन एक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो इसीलिए असाइनमेंट क्या है पॉजिटिव नहीं। तो इस तरह से हमने देखे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें।